सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास में स्केल नंबर 20 की कागज बाट करेंगे। ये आपकी चेयर की स्केल है, तो हमें चाहिए इसके लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो हम इसमें स्केल नंबर 20, इसमें आपकी लेंथ हमारी है 38 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी इसकी 38 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर। हम इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7। तो अब ये 76 और हम 38 जोड़ेंगे, तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आपकी बन गई है 114 सेंटीमीटर। तो आपकी इसमें हाइट हमारी ज़्यादा है, हम कागज को यहाँ से लेंथ की जगह हाइट की साइड रखेंगे। इस तरह से हम कागज को रखेंगे और इसमें जो फुट्टा यूज होना है वो आपका है 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हम इसमें 1.8 सेंटीमीटर का फुट्टा यूज करेंगे और सबसे पहले हमने कागज को हमने हाइट में रखना है और हम यहाँ से काटेंगे इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो हमारी लेंथ और ब्रेथ है 76 सेंटीमीटर आ रही है, तो 76 हम यहाँ से ले लेंगे 76, ये आपका 76 है। हमने यहाँ से 76 ये आपका ले लिया है, यहाँ से ये आपका 64, आपका 68, 72 और 2 74 और 2 76, हमने 76 ले लिया, यहाँ पे 76 है और बची हुई शीट के हमने बराबर 3 भाग करने हैं। तो हमने यहाँ से एक न्यून कोण लेना है, जो न्यून कोण ले लेंगे, जो ये हमारी शीट बच गई है इसके हमने 3 भाग कैसे करने हैं। तो न्यून कोण पे हमने कोई 3 निशान लगाने हैं अपनी मर्जी से, कोई से भी हम 3 निशान लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए, और ये जो आपका ये हमने इसमें 3 निशान लगा दिए इस तरह से, और जो आपका तीसरा निशान ये आ रहा है 3, तीसरे निशान को हमने अंतिम पॉइंट पे, ये आपका अंतिम पॉइंट है, अंतिम सिरा है, यहाँ हम इसको ऐसे मिला देंगे। इसी के समानांतर हम जो है वो आगे दोनों पॉइंट से 2 से और 1 से इसी के समानांतर हम रेखाएं खींचेंगे यहाँ से, इस तरह से। अब हम इसको देख सकते हैं क्या हमारे निशाने बराबर आ रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे, देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है 1, देखिए बिल्कुल 2 और ये 3 है। अब हमने क्या करना है, जितना आपका एक भाग है इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ से लेफ्ट साइड से काट देना है, ये आपका एक भाग आ गया। अब हम लेंगे यहाँ से इसकी लेंथ, और लेंथ हमारी है 38 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 38 सेंटीमीटर काटेंगे, तो ये आपका 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38, ये आपका 38 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, एक भाग जितना आपका एक भाग है इतनी प्रकार हमारी खुली है, यहाँ से हम एक भाग काट देंगे, और अब हमने फिर काटना है 38, क्योंकि ब्रेथ भी आपकी 38 ही, और आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 32 34 36 और 2 38 और एक भाग आपका बच गया है। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे भी इसमें निशान लगा देने और फिर हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से हम दोनों साइड निशान लगा करके इनको मिला देंगे निशानों को, सभी निशानों को, और हम इसको इधर को घुमा देंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे, और फिर हम यहाँ से जो है वो ब्रेड्थ और हाइट इसकी वो काटेंगे। इसकी ब्रेड्थ और हाइट हमारी जोड़ के आई है 114 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से इसमें 114 सेंटीमीटर काट देंगे, तो यहाँ से ये आपका 112 और यहाँ से 2 सेंटीमीटर और ले लेंगे, ये आपका है 114 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें 114 सेंटीमीटर काट दिया है, अब जो हमारी शीट बच गई है
इस शीट के, ये जो शीट है इसके हमने 5 बराबर भाग करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारा ये निशान आता है यहाँ से हम एक न्यून कोण ले लेते हैं इस तरह से। इस न्यून कोण के ऊपर हम अपनी मर्जी से प्रकार या डिवाइडर खोल करके बराबर 5 भाग लगा देंगे। ये 5 निशान हम इस पर लगा देंगे, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 निशान इसमें लगाएंगे। और जो अंतिम आपका ये पॉइंट है इसके साथ हम 5 को मिला देंगे, ये यहाँ पे इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब हमने इसी के समानांतर आगे सभी निशानों से लाइन लगानी है। इस तरह से हम ये इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम इसको देख सकते हैं क्या हमारे भाग ये सही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये आपका 1 भाग है, ये 2, 3, 4, 5 ये देखिए बिल्कुल बराबर है। हमने 2 भाग जितनी प्रकार खोलनी है, ये आपके 2 भाग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपके 2 भाग इतनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से लेफ्ट साइड से काट देना है। और अब हम काटेंगे इसमें हाइट, वो हमारी हाइट है 76 सेंटीमीटर है। ये आपका है 64 और 66, 68, 70, 72, 74 और 76, यहाँ पे आपका 76 आ जाएगा, ये 76 आ रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक भाग जितना आपका है ये आपने उतनी प्रकार खोलनी है। अब कोई सा भी एक भाग ले लो, क्योंकि सारे भाग आपके बराबर है, आप ये देखिए कोई सा भी आप एक भाग ले सकते हैं यहाँ से। और हमने यहाँ से जहाँ 76 आया था ये आपने एक भाग काट देना है यहाँ पे, इस तरह से हम एक भाग काट देंगे। और अब हम यहाँ से इसकी काटेंगे ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ हमारी है 38 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये 32, 34, 36 और 38 ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, जहाँ से पीछे हमारे 2 भाग बच जाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे भी निशान लगा देंगे और इन निशानों को फिर आपस में मिला दें। इस तरह से हम ये सारे निशान इनको मिला देंगे। और अब जो हमारे पास फालतू लाइनें हैं, जैसे आपके पास ये लाइनें हैं फालतू, इन सब लाइनों को हम मिटा देंगे। और इसमें हम यहाँ लिख देंगे एलिवेशन, साइज, प्लान, प्रोजेक्शन, यहाँ पर इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ, ये हम इसमें सारा कुछ लिखेंगे। और जो हमारी ये लाइनें थोड़ी लाइट है, ये डार्क है, तो इन सब लाइनों को हम डार्क कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इस तरह से हम इसमें एलिवेशन, साइट, प्लान, प्रोजेक्शन, यहाँ पे इसकी हाइट, इसकी ब्रेथ, इसकी लेंथ, ये सब लिख देंगे। और जो फालतू लाइनें हमारी थी वो हमने सब रेज कर दी है। जो हमारी फीकी लाइनें थी ये भी हमने डार्क कर दी है। और हम यहाँ लिख देंगे इसमें एक्स, Y और ये स्केल नंबर है आपकी 20, ये आपकी स्केल नंबर 20 के हमने कागज बांट कर दी है। और अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको, तो हम इसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपने भी कोशिश करनी है, क्योंकि अब काफ़ी हमारी स्केल हो चुकी है, आप इसको सॉल्व करें। जो समस्या रहेगी या आपको नहीं कहीं से समझ आएगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा।